को लेकर के जश्न मनाया जा रहा था आज नगरी आगरा में, और तमाम लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। योगी यूथ ब्रिगेड से जुड़े लोग हैं, तो हम बात कर लेते हैं आखिर क्या हुआ जो आपको मिठाई बांटनी पड़ी। देखिए, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल कल पास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी के द्वारा। बहुत ही सराहनीय कदम जो है ये उठाया गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इस कानून के तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो सताए हुए अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उन्हें ये कानून नागरिकता देने का कार्य करेगा। और ये CAA तो झांकी है, अभी UCC, NRC बाकी वो भी लागू किया जाएगा। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी सताए हुए लोग हैं, देखिए इस्लामिक देशों में उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग वहाँ रह रहे हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं, उन्हें परेशान किया जाता है। वो लोग भारत में आए हैं, उन्हें इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी। इसी के उपलक्ष्य में हमने अरावली महादेव मंदिर पर मिष्ठान वितरण किया और खुशी मना रहे हैं। कुछ लोग जो है कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, खासतौर से अलीगढ़ से जुड़े लोग, तो क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी कानून आता है तो पक्ष विपक्ष दोनों ही होते हैं, विरोध भी होता है, पक्ष वाले भी लोग होते हैं। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्हें ठीक तरीके से जानकारी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के द्वारा 140 करोड़ देशवासियों के हित में ये फैसला लिया गया है, किसी के खिलाफ कोई फैसला नहीं है, ये गुमराह किया जा रहा है उन लोगों को। अब बताइएगा कितना जानते हैं इस कानून के बारे में, कुछ जानते हैं क्या है CAA क्या है मालूम है? जो पास हुआ है कुछ जानकारी ज्यादा नहीं है अभी आप? नहीं, ज्यादा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ, अध्यक्ष जी बोले। आप बताइएगा मिठाई बांटने क्यों बांट रहे हैं? हम जो किसी लागू हुआ है मोदी जी ने किया, हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, अब दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो और भी लोग हैं, हम इनसे जान लेते हैं। आप बताइएगा आज मिठाइयाँ उठाइयाँ बट रही हैं क्या? इसके लिए मोदी अमित शाह जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आगे ऐसे लागू कानून हो उद्योग के लिए सुरक्षा दी जा सके। तो ये कानून जो है वो सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, खासतौर से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बर्बरता का शिकार हुए थे लोग, उन समाज के लोगों को ना सिर्फ नागरिकता देगा बल्कि उनकी संस्कृति और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। मानसू त्रिपाठी, आगरा।